और इस समय की बड़ी खबर, 2000 के नोट आरबीआई ने बैन कर दिए हैं, बड़ा फैसला लिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी, 2000 के नोट। दोस्तों, चर्चा तो बहुत दिनों से थी, कई बार ये सवाल भी मन में आता था कि 2000 रुपए का नोट बंद हो जाएगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। सरकार ने कहा सब कुछ ठीक है, आरबीआई ने भी कहा कुछ नहीं होगा, और अचानक नया ट्विस्ट आ गया। आरबीआई ने कह दिया कि 2000 के नए नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहे हैं, जिनके पास हैं वो बैंक में जमा करा दें। जी नहीं, ये नोटबंदी नहीं है, लेकिन उसके जैसा ही प्रहार है। हालांकि छपाई तो बहुत पहले ही बंद कर दी गई थी, लेकिन ऐसा भी दिन आएगा ये उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को फाइनली चलन से बाहर कर दिया है। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंक में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट को 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपए का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। अब इन नोट का क्या होगा? जिनके पास 2000 रुपए का नोट है वे लोग क्या करेंगे? कब तक बैंक में ये नोट जमा होंगे? क्या कोई चार्ज भी देना होगा? जाने 2000 के नोट बैन से जुड़े सभी सवालों के जवाब। नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की जरूरत को तेजी से पूरा किया जा सके। उस मकसद के पूरा होने और पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यों के नोटों की उपलब्धता के साथ 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2000 रुपए मूल्य के ज्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों का अनुमानित जीवन काल 4 से 5 साल ही था। यह भी देखा गया कि इस मूल्य के नोटों का आमतौर पर लेनदेन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जनता की करेंसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल वर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की क्लीन नोट नीति के मुताबिक यह निर्णय लिया गया कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लिया जाए। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोट को अन्य मूल वर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है, यानी एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। बता दें, रिजर्व बैंक ने साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। इस पर लोगों के सवाल उठ रहे थे कि आखिर 2000 रुपए की नोट कहां गायब हो गए। रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में 2000 रुपए के एक भी नोट नहीं छापे गए हैं। इस वजह से बाजार में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन कम हुआ है। देश में 2000 रुपए के नोट सबसे ज्यादा चलन में वर्ष 2017-18 के दौरान रहे। इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। इनका कुल मूल्य 6.72 लाख करोड़ रुपए था। क्लीन नोट पॉलिसी को साल 1988 में लोगों तक अच्छी क्वालिटी के नोट मुहैया कराने के लिए लाया गया था। इस पॉलिसी को देश में जाली नोटों के सर्कुलेशन पर लगाम कसने के लिए पेश किए गए थे। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 27 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से नोटों को न तो नष्ट करेगा और न ही उससे किसी तरह का छेड़छाड़ करेगा। इस पॉलिसी का लक्ष्य नोटों को सर्कुलेशन में बनाए रखने के साथ साथ क्लीन भी रखना था। डिजिटल पेमेंट को और सिक्योर बनाने के लिए नई क्लीन नोट पॉलिसी को 1 अक्टूबर 2018 से लागू की गई थी। बता दें, पहली बार साल 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी को शुरू किया था। यह पॉलिसी लाने का उद्देश्य था देश में नकली मुद्रा के प्रचलन को रोकना। इस नीति के तहत 2001 और 2003 में कदम उठाए गए थे। इस पॉलिसी ने लोगों को अपने पुराने नोट जमा करने और नए नोट लेने के लिए मजबूर किया था, लिहाजा बाजार में नकदी यानी कैश फ्लो की कमी हो गई थी। रियल इस्टेट, रिटेल यानी खुदरा बाजार और यहां तक कि पर्यटन जैसे कई क्षेत्र इससे प्रभावित हुए थे। इस बार की क्लीन नोट पॉलिसी का देश के अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आम जनता को इससे कुछ भी बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह तो तय है, क्योंकि आम जनता के पास पहले से ही 2000 के नोट नहीं थे। कुछ वक्त पहले आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में बताया गया था कि 31 मार्च 2022 तक 2000 रुपए के कुल 214.20 करोड़ नोट चलन में मौजूद हैं। ये कुल नोटों का 1.6% है। अगर मूल्य के हिसाब से देखें तो कुल 4,28,394 करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में हैं।
वैल्यू के लिहाज से 13.8% नोट मौजूद हैं। इतनी बड़ी संख्या में नोट मौजूद होने के बाद भी अगर आपको नहीं दिखे तो समझ जाइए तैयारी पहले से ही चल रही थी। नोटों की संख्या को कम करने के पीछे उसे बंद करना नहीं बल्कि बड़े नोटों का सर्कुलेशन को कम करना था। इसी बीच सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर सरकार को अचानक 2000 रुपए के नोट बंद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नोट छापने के कागज और छपाई की लागत अधिक होने से भारत में नोटों की छपाई महंगी साबित हो रही थी। खासकर 2000 रुपए के नोट में 10, 50, 100, 200 के नोट की छपाई के मुकाबले अधिक लागत आती है। इसी वजह से 2019 के बाद 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। वैसे दोस्तों, सरकार की यह रणनीति आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।